the broads in Atlanta. She's with the V in the family. Credit cards and scammers. Hitting the licks in the valley. Legacy, family. Where is he look like a panda? So hello guys, welcome back to Tourist Mania. My name is Priyanshu and I'm back with another new and fresh video. So guys, आज का जो वीडियो है वो अपने जितने भी बाइक लवर्स हैं जिनको कि अपने बाइक में मॉडिफिकेशंस करना या नई नई एक्सेसरीज लगाना पसंद है के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है. बिकॉज हम जब भी अपनी बाइक पर कोई भी नई एक्सेसरीज लगाने के लिए सोचते हैं तो उस समय हमारे दिमाग में एक बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन रहता है एंड वो ये है कि वो एक्सेसरीज हम कहाँ से परचेज करें ताकि हमें उसकी बेस्ट प्राइसिंग मिल सके. सो उसी लिए आपके इस प्रॉब्लम के लिए मैंने एक सॉल्यूशन निकाला है एंड मैंने सोचा है कि सिलीगुड़ी में जितने भी बाइक एक्सेसरी शॉप है उनको मैं एक एक करके एक्सप्लोर और आपको दिखाऊं कि कहां पे कौन सी एक्सेसरीज मिल जाती है एंड उनकी प्राइसिंग क्या होती है. सो इसीलिए आज मैं जा रहा हूं एट द बाइकर शॉप एंड आज हम जाके उस शॉप को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे. वहां पे आपको दिखाएंगे वहां पे कौन सी एक्सेसरीज कितने में आपको मिल जाएगी. अभी वो जो टाइम है वो ऑलरेडी डेढ़ बज चुका है एंड वहां पे मुझे 2 बजे पहुंचना था. सो अभी चलते हैं वहां पे शॉप पे पहुंचते हैं एंड आगे का जो ब्लॉग है हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं. सो लेट्स गो. सो गाइस फाइनली मैं आ चुका अपने लोकेशन पे एंड देख सकते हो ठीक हमारे पीछे है द बाइकर शॉप. तो अभी हम इसी शॉप को एक्सप्लोर करने वाले हैं. बट शॉप को एक्सप्लोर करने से पहले आपका यहाँ का जो लोकेशन है वो बता दे रहा हूँ कि आप उसको फॉलो करके यहाँ पे इजीली आ सकते हो. तो लेट मी जस्ट फ्लिप द कैमरा. तो गाइस ये रहा हमारा शॉप एंड शॉप के अंदर जाने से पहले सबसे पहले मैं आपका जो यहाँ का लोकेशन है वो बता दे रहा हूँ. तो शॉप के ठीक सामने आपको ये जो रोड है वो देखने को मिल जाएगा. सो ये जो रोड है ये इस तरफ से आता है, ये दार्जिलिंग मोड़ की तरफ से आता है एंड ये सीधे सुकना की तरफ चला जाता है. सो अगर आप दार्जिलिंग मोड़ की तरफ से आ रहे हो तो आपको ज़्यादा नहीं बस 1 से 1.5 किलोमीटर अंदर आना है एंड आपको सामने की तरफ ही रागापुर का जो फुटबॉल ग्राउंड है जो कि यहाँ पे है, एज यू कैन सी ये जो ग्राउंड है इसके आपको इसके थोड़े आगे आने के बाद आपको रोड के लेफ्ट साइड में आपको ये जो शॉप है वो देखने को मिल जाएगा. एंड जो शॉप है वो काफ़ी बड़ा शॉप है. सो एंड इसके 2 पार्ट्स हैं. तो बेसिकली ये वाला जो पार्ट है वही इसका मेन स्टोर है एंड ये वाला जो पार्ट है वो एज अ गोडाउन भैया यूज़ करते हैं. सो अभी चलते हैं शॉप के अंदर एंड शॉप को हम अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं. सो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ शॉप के अंदर एंड सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ यहाँ के ओनर्स के साथ. तो ये रहे दीपक भैया. हेलो, मेरा दुकान का नाम है द बाइकर शॉप और ये आपका दार्जिलिंग मोड़ से 1 किलोमीटर अंदर में दागापुर बोल के एक ग्राउंड है, दागापुर ग्राउंड उसके अपोजिट में है जी. और हमारे यहाँ शॉप में आपको टोटल राइडिंग गियर्स, जितना भी आपका सेफ्टी गियर्स है, हेलमेट्स है, उसके बाद जितना भी बाइक एसेसरीज है और कस्टमाइज बाइक एसेसरीज जितना है, इस तरह का बहुत सारा आइटम है. आइए आप लोगों को दिखाते हैं किस तरह के सब जी. और ये रहे मनीष भैया. हेलो, आई एम मनीष जी. सो तो देख सकते हो गाइस शॉप काफ़ी बड़ा है एंड यहाँ पे एक्सेसरीज बहुत सारी एक्सेसरीज आपको देखने को मिल जाएंगी जैसा कि आप देख सकते हो. सो आज के वीडियो में सारा एक्सेसरीज को तो दिखाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा होते जाएगा. सो मैं कोशिश करूँगा कि हर एक एक्सेसरीज में से, हर एक वैरायटी में से बेसिकली आपको एक एक एक्सेसरीज दिखाऊँ ताकि आपको अच्छे से सारा आइडिया मिल जाए. तो शुरू करते हैं हेलमेट्स के साथ. तो भैया आपको अच्छे से बताएंगे. तो भैया मेरे सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन ये है कि आपके पास जो हेलमेट का जो रेंज है वो कितने से शुरू हो जाता है? हेलमेट जो है बेसिकली आपको 1200 के आसपास से ब्रांडेड कंपनी का स्टार्ट हो जाता है. मतलब सबसे कम उसमें ISI ग्लोबल मिलता है. हाँ जी हाँ, अच्छी क्वालिटी में. जैसे कि इसमें आपका जो आजकल बहुत ज़्यादा चलता है ये वेगा का बोल्ट बनी हेलमेट है. इसमें 4-5 कलर अवेलेबल है और ये जो है 1997 MRP में आता है. इसमें आपको मतलब डिस्काउंट भी एक्स्ट्रा मिल जाएगा. ये अभी इसमें क्या है, आपका जो पैडिंग है काफ़ी बढ़िया पैडिंग दिया हुआ है, इसमें काफ़ी हैवी पैडिंग आता है और इसका जो वाइज़र है ये भी आपको टिंटेड में मिल जाता है एंड एरोडायनामिक डिज़ाइन भी इसमें बहुत ही अच्छा. सो गाइस देख सकते हो कि हमें यहाँ पे स्पॉइलर भी देखने को मिल जाता है जो कि देख सकते हो काफ़ी अच्छा लगता है हेलमेट में एंड इसका जो फीचर्स है वो भी काफ़ी अच्छा है एंड सेफ्टी वाइज भी ये हेलमेट काफ़ी अच्छा है. तो अगर आपको ये लेना रहेगा तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो. ये स्टड्स का है, इसमें भी अभी ये स्पॉइलर वाले वर्जन में आया है. अच्छा, पहले से स्पॉइलर नहीं होगा? नहीं, इसमें पहले स्पॉइलर नहीं था. इसमें आपको क्या है कि इसके साथ प्लेन वाइजर प्लस एक टिंटेड वाइजर फ्री मिलता है. अच्छा। और इसका MRP है 1985. भाई अगर कोई डिस्काउंट तो अगर कोई शॉप पे आता तो आप? हाँ जी जरूर जरूर जरूर. ये स्टील बड का एयर कार्बन बोल के आता है. इसमें आपको ये सिंगल वाइजर है 1700 MRP. इसमें भी कलर ऑप्शन बहुत आता है. ये आपका डुअल वाइजर में आता है 1799 का. इसमें डुअल वाइजर है. तो गाइस देख सकते हो डुअल वाइजर ही मिल जा रहा है 1799 के अंदर में. ये वेगा का ऑफ रोड मॉडल है. ओके, काफी बढ़िया. ऊपर से इसमें आपका डुअल वाइजर भी है. ओके, देखिए इसमें डुअल वाइजर ही मिल जा रहा है. ये प्लेन वाइजर हो गया ऊपर और ये अंदर डुअल वाइजर का 2114 MRP है. उसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा. ये एग्जॉर का सी डेविल मॉडल है. इसमें आपको इसका MRP आपका 4995 एंड ये आपका डुअल वाइजर है. डुअल वाइजर मॉडल है, मॉडल का नाम है सी डेविल, एपेक्स का सी डेविल. इसमें आपको एंटी फॉग फिटेड मिलता है, डुअल वाइजर मिलता है, नोज गार्ड मिलता है, चिन गार्ड मिल जाता है, डी लॉक सिस्टम मिल जाता है,
जो कि काफ़ी सेफ है, और इस हेलमेट में जो सर्टिफिकेशन है वो आपका ECE और DOT, ISI तो है ही, ECE और DOT सर्टिफिकेशन भी मिल जाता है। मैं इसमें और भी आपको ग्राफिक दिखा देता हूँ। इसमें एक आपका ये वाला ग्राफिक आता है, ये वेनमस देख सकते हैं। इसका भी जो लुक है वो काफ़ी अच्छा है, एंड इसमें पीछे की तरफ में आपको स्पॉइलर भी मिल जाता है, एंड ये रहा इसका सर्टिफिकेशन। एज यू कैन सी आपके पास इसके जितने भी ग्राफिक्स है आपके पास सारे अवेलेबल हैं। हाँ हाँ, मोस्टली जितना है अवेलेबल हो जाता है। कोई अगर ग्राफिक अगर उस टाइम पे अवेलेबल नहीं हुआ, अगर आप शॉप पे आए हो तो भी भैया आपके लिए अरेंज करवा। हाँ हाँ, नेक्स्ट हेलमेट में हम लोग देखेंगे एक्सोर का रेज मॉडल। इसमें एंटी फॉग नहीं आता, पर ये एक बजट फ्रेंडली हेलमेट एक्सोर की तरफ से। प्राइसिंग क्या होने वाला है? ये 3410 इसका MRP रहता है। 3410 जी, उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। हाँ जी हाँ हाँ जी। अगला जो मॉडल है एक्सोर में आता है स्ट्रीट मॉडल। इसका जो वाइजर है काफ़ी चौड़ा रहता है, व्यू के लिए बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है इसमें। और इसके अंदर का ग्लास भी देखिए, इसमें एंटी फॉग लेंस लगा। हाँ जी, इसमें भी एंटी फॉग लेंस फिटेड आता है। ये देखिए व्यू देखिए कितना इसमें ज़्यादा बड़ा, काफ़ी ब्रॉड। हाँ, ब्रॉडर व्यू है इसमें पीछे से। ये हाँ जी, पैडिंग है वो दी हुई है, एंड इसमें भी सर डबल डी लॉक आता होगा। हाँ जी, इसमें डी लॉक आता है। एंड इसका प्राइसिंग क्या है? सेम 4995, जिसमें आपका डिस्काउंट अलग। इसमें एक ये कलर भी है, ठीक है। सो ये कलर भी जो है वो काफ़ी अच्छा है, बट अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मुझे वो जो कलर है वो ज़्यादा बेटर लगा। नेक्स्ट ये हमारे पास है रेट्रो बोलकर आता है एक्सोर का। ये गॉगल एक्स्ट्रा आता है, अलग से लेना पड़ता है। ये हेलमेट है, इसका प्राइस क्या पड़ेगा भैया? ये 4995। एंड अगर कोई गॉगल के साथ लेना चाहता है उसको? गॉगल लेकर इसमें गॉगल का आपका 850 एक्स्ट्रा। ये जो हेलमेट है वो भी काफ़ी अच्छा है, देख सकते हो। किसी को अगर यूनिक कोई अगर हेलमेट चाहिए देन दे कैन गो फॉर दिस हेलमेट। ये जैकेट्स है, राइडिंग जैकेट्स। इसमें हम टू बिगिन विथ ये आपका सोलेस का है, एंड इसका जो प्राइस है वो 5400 MRP है, लेवल 1 में आता है सोलेस में। मैं आपको और भी दिखाता हूँ मॉडल है लेवल 2 में। इसमें आपका रेन लाइनर बाहर रहता है, रेन लाइनर अलग से रहता है बाहर। और इसका प्राइस क्या आएगा भैया? ये 6500 का रेंज में। ये सोलेस का 6500 का मॉडल है। ये कौन से लेवल का है भैया? लेवल 2। फिर आ जाता है आजकल ये आता है एक्सोर, एक्सोर का जैकेट। जैसे तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का जैकेट है जी, एंड इसका लुक भी जो है वो काफ़ी अच्छा है, डुअल कलर में देखने को मिल जाता है। अभी इसमें कलर्स भी आपके पास अवेलेबल? हाँ, कलर्स अवेलेबल हो जाएगा। इसका प्राइसिंग क्या बताया? इसमें आपका एक आता है बिलो 4960 के अराउंड, और एक आता है 5960 समथिंग के अराउंड। ये टर्मैक का, ये कौन से लेवल का है? लेवल 2। इसमें आपको आउटर शेल भी दिया हुआ है, आउटर गार्ड, और ऑल वेदर है। अंदर में लाइनर्स लगे हुए हैं, ये सारे लाइनर्स है। ये आपका थर्मल लाइनर हो गया, ये रेन लाइनर हो गया। 6900 रुपीस का ये जैकेट है। टर्मैक का बेस मॉडल समझिए 4500। नेक्स्ट आता है ये DSG का जैकेट, काफ़ी ट्रेंडिंग है, काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। लेवल 2 में आता है, एंड प्राइस इज 4999। लाइनर्स नहीं आते हैं, ये एक तरह से हुडी टाइप का है। इसमें आपका हुडी भी आता है साथ में, और इसको आप जैसे इसके प्रोटेक्शन गार्ड्स को खोल के आप विंटर जैकेट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं इसको। और काफ़ी स्मूथ फीलिंग है, और काफ़ी बढ़िया प्रोटेक्शन है, काफ़ी मोटा प्रोटेक्शन दिया हुआ है। आप देखिए इसका जो प्रोटेक्शन है बहुत बढ़िया दिया हुआ है। इसका हुडी है, ये डिटैचेबल हुडी है। ये टर्मैक का पैंट है, राइडिंग पैंट। इसमें पूरा सेफ्टी रहता है आपका, यहाँ पे रहेगा सेफ्टी, यहाँ पे रहता है इस तरफ। और काफ़ी बढ़िया इसमें ये इनर लाइनर भी रहता है, वाटरप्रूफ और विंड प्रूफ लाइनर बोल सकते हैं। ये सोलेस का पैंट है,
MRP 7490, काफ़ी हैवी है, क्वालिटी वाइज काफ़ी हैवी है। इसमें भी अंदर में लाइनर मिल जाता है, ये देखिए। आ जाते हैं हम लोग ग्लव्स की तरफ, जिसमें कि आपका ये एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन क्वालिटी का मैसोनटेक्स ग्लव्स बोल के आता है, काफ़ी कंफर्टेबल, और कलर भी इसमें बहुत सारे आते हैं, आपका 4-5 कलर आ जाता है। ये आपका बिलो 1500 का रेंज है। ये राइडा का आपका एयरवेव सीरीज़ है एंड इसकी जो MRP है 3250। एंड ये जो ग्लव्स है गाइस, जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, काफ़ी प्रीमियम है देखने में, एंड लुक्स तो इसका अच्छा है ही, एंड आपको सेफ्टी भी जो है वो काफ़ी अच्छा प्रोवाइड कर रहा है ये, काफ़ी लाइट वेट है ये, एंड कलर भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। इसमें जैसे एक ये कलर आ जाता है, ये सेम यही राइडा का दूसरा कलर है रेड कलर में, एज यू कैन सी, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो ले सकते हो। एंड अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ग्लव्स की तरफ। ये लोन रेंजर का ग्लव्स है एंड इसकी इसका MRP 1800। नेक्स्ट आ जाता है ये सोमी का ग्लव्स, इसमें आपका टच इनेबल्ड है, मिड रेंज का काफ़ी बढ़िया ग्लव्स है। तो गाइस ये जो पर्टिकुलर जो ग्लव्स देख रहे हो, मैं पर्सनली भी यही ग्लव्स यूज़ करता हूँ, बजट वाइज एक काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये, एंड काफ़ी वैल्यू फॉर मनी भी है। एंड भैया इसकी प्राइसिंग क्या है? इसका 1150 रुपीज़। ये आ जाते हैं हम प्रो बाइकर पर, सबसे बेसिक जो ग्लव्स है जी, सबसे बेसिक स्टार्टिंग 350 रुपीज़। देन वी कम टू सिटी ग्लव्स, ये भी आपका कम्फर्ट राइडिंग ग्लव्स है एंड इसमें जो है आपको टच स्क्रीन भी मिल जाता है, ये टच स्क्रीन है सारे, इससे आप मोबाइल ऑपरेट कर सकते हो, 900 के रेंज में आ जाएगा। नेक्स्ट इज़ आपका राइडा का क्रूज़र ग्लव्स, क्रूज़र प्रो, एंड ये 2800 रुपीज़ की रेंज में। सो भैया ने कभी क्रूज़र हेलमेट दिखाया था, उसके साथ आई गेस ये सबसे बेस्ट सूट करेगा उस पर। जी बिल्कुल, एंड काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है, फुल लेदर फिनिश आपको देखने को मिल जाता है। एंड भैया आपने इसका प्राइसिंग क्या बताया? 2800 रुपीज़। सो काफ़ी अच्छा क्वालिटी का ये, प्योर लेदर है, प्योर लेदर। ये आ जाता है टच में BSDDP 550। और ये आ जाता है आपका फॉक्स के ग्लव्स एंड ये आपके 850 रुपीज़ के रेंज में। इसमें 3-4 कलर आते हैं, ऑफ रोडिंग ग्लव्स फॉक्स का बोला जाता है इसे। ये नी एंड एल्बो प्रोटेक्शन, इसमें काफ़ी सारा वेराइटीज और काफ़ी सारे कंपनीज के आते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस फ्रॉम BSDDP, ये आपका 799 रुपीज़ का एक आपका स्टार्टिंग रेंज में आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट वी कम टू प्रो बाइकर का, ये प्रो एक्स आता है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, काफ़ी ज़्यादा इसका डिमांड है, 1150 रुपीज़ में। इसके बाद ये छोटा वाला आता है बिल्कुल स्मॉल साइज़ में, जो कि सिर्फ नी के लिए है, इसमें एल्बो नहीं आता, एंड दिस इज़ 1400। उसके बाद स्कॉर्पियो का आता है, स्कॉर्पियो का ये काफ़ी बढ़िया K11 मॉडल है, जो बिल्ड क्वालिटी वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा क्वालिटी का बनता है, नी भी है, एल्बो भी है, नी के दो सेट हैं, ये एल्बो पैर। एंड प्राइसिंग क्या है इसका? ये 1850। ठीक है, आ गया स्पॉइको का ओनली नी वाला गार्ड एंड काफ़ी प्रीमियम है, कलर इसमें 3-4 आते हैं, येलो, ग्रीन, रेड एंड ब्लू, वाइट, इस तरह से कलर्स आर सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, और काफ़ी कंफर्टेबल है, फोल्डिंग वाला है, आपको इसमें फोल्डिंग भी है ये। सो पहनने के बाद ये कोई भी इसमें अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा, चलने में काफ़ी आसानी होता है, राइडर इसको पहन के चल सकता है, एंड काफ़ी बढ़िया क्वालिटी में आता है। प्राइस इज 2400, जिसमें डिस्काउंट और भी मिल जाएगा इसमें आपको। BSDDP का इम्पोर्टेड में एक प्रीमियम नी एल्बो गार्ड, काफ़ी बढ़िया इसका फिनिश है, काफ़ी बढ़िया इसका कंफर्टेबल है, एंड इसमें भी आपका ये चलने में इसमें प्रॉब्लम नहीं होता, 3-पीस में बना हुआ है, यहाँ से 3-पीस में बना हुआ है ये। प्राइसिंग 2350। ये मोबाइल होल्डर्स है, जो कि ज़्यादातर सारे बाइक्स में फिट होता है और आजकल काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड आइटम्स में से एक है। इसमें दो तरह का आता है, एक विद चार्जिंग, एक विदाउट चार्जिंग। ये विद चार्जिंग में एक्स टाइप मोबाइल होल्डर है, इसमें बहुत सारा क्वालिटी आता है, कम रेंज का भी आता है, 400, 450,
300 इस रेंज में ये आ जाता है। ये विदाउट चार्जिंग में आएगा 300 रुपीज़ के आसपास मिल जाता है। ये सीएनसी मेटल में क्लॉ टाइप, ये भी काफ़ी डिमांड में है आजकल क्लॉ टाइप चार्जर्स। इसमें ये इस तरह से अनस्क्रू करके इसमें कोई भी लेंथ का फ़ोन आराम से लग जाता है। रोटेट भी कर सकते हैं इसको, इस तरह से रोटेट भी होता है। ये राउंड क्लिप वाला है तो कि जिसका भी जो स्ट्रेट हैंडल बार जिसका रहता है उसी में लगेगा, जैसे कि NS वगैरह में नहीं लगेगा, जो क्लिप ऑन हैंडल्स है उसमें नहीं लगेगा। ये आपका जो स्ट्रेट हैंडल बार्स है जिसमें रॉयल एनफील्ड KTM, उसमें आपका FZ के मॉडल्स में ये लग जाता है इस टाइप का। उसके बाद आ जाता है उसी टाइप में ये चार्जर में, ये विद फास्ट चार्जिंग है साथ में, ये 600 रुपए के आसपास आपको। और इसका ये भी आपका 600-550 इतना है ना, ये सब आपके 600-650 के रेंज में आ जाता है। काफ़ी हैवी बिल्ड क्वालिटी है, विद चार्जिंग है, 2 एम्पेयर का फास्ट चार्जिंग है। प्राइस क्या होने वाला भी है? ये 650। अभी बारिश का सीज़न है और बारिश का सीज़न में फ़ोन भीगने का काफ़ी ज़्यादा इशू हो सकता है, तो इसलिए ये एक आपका ऊपर से टच ऑपरेटेड रहता है। ये आपका लेंथ भी शॉर्ट कर सकते हैं, इस तरह से हैंडल बार में लग जाता है और ये ऊपर से टच ऑपरेटेड है, रोटेट कर सकते हैं इसको आप, जैसे GPS माउंट में आप लगाकर भी। ये आपका 650 का ही है, 650 का ओनली। हम लोग चलते हैं, ये एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, इसमें आपका 1 ईयर का वारंटी भी आता है। ये क्या है कि इसमें आपका ये इसके अंदर चल जाता है इस तरह से राउंड हैंडल बार हो तो, और अगर आपका स्कूटी है या वैसा हैंडल बार नहीं है तो फिर ये इसके अंदर जाके ये आपका मिरर में माउंट हो जाता है या कोई बोल्ट लगा के भी इसको माउंट किया जा सकता है। ये ऑल पर्पस टाइप का बन जाता है इस वजह से, और 1 ईयर वारंटी के साथ आता है ये। इसमें चार्जिंग नॉन चार्जिंग दो मॉडल आते हैं। और इसका प्राइसिंग क्या है भैया? इसका प्राइसिंग 1400 है, जिसमें कि डिस्काउंट और मिल जाएगा एक्स्ट्रा। अब हम लोग आपको दिखाते हैं फॉग लाइट्स, जो बढ़िया ब्रांड में आता है, HJG का एक बहुत बढ़िया ब्रांड है, और इसमें जो है लाइट का जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छा मिलता है। ये 6 LED में है, 30 वॉट के अंदर में आता है, ये 40 वॉट में DLA रिंग भी रहता है, काफ़ी चलता है ये वाला लाइट भी। क्वालिटी देख सकते हो गाइस, क्वालिटी जो है वो भी काफ़ी अच्छा है, एंड ये काफ़ी हैवी क्वालिटी का है। एंड वायर्स की भी अगर हम बात करें तो वायर्स भी इसमें काफ़ी थिक वायर हमें देखने को मिल जाता है, तो ये देख सकते हो काफ़ी ब्राइट है, एंड इसमें आपको DLA भी देखने को मिल जाता है। तो एक बार भैया को DLA भी दिखा देंगे, तो इसमें ब्लू कलर का यहाँ पर DLA देखने को मिल जाता है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसका प्राइसिंग आपको 1600 पेयर, ये वाला आपको 1200 पेयर। हमारा HJG का मिनी ड्राइविंग लाइट आता है, 20 वॉट में आता है और थोड़ा सा हैवी क्वालिटी में। ये इसका बिल्ड क्वालिटी देखिए, काफ़ी हैवी में बना है। इसमें आपका ब्लास्टर भी रहता है ये, जो कि आपका वोल्टेज अप डाउन को कंट्रोल करता है। देखें तो इसमें आपका दो मोड रहता है, इसमें आपको या तो डबल स्विच लगाना पड़ता है या दो स्विच लगाना पड़ता है अलग अलग। ये इसका येलो मोड है और फोकस इसका इस टाइप का है, देख सकते हो काफ़ी ब्राइट है येलो मोड। तो अगर आप किसी फॉगी कंडीशन में राइड कर रहे हो या रेनी कंडीशन में राइड कर रहे हो तो उस टाइम पे ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। एंड इसका जो दूसरा मोड है इसमें वाइट मोड है, एंड ये रहा इसका वाइट लाइट। तो वाइट लाइट भी देख सकते हो काफ़ी ब्राइट है, ये भी हैवी क्वालिटी का है एज यू कैन सी। एंड इसके साथ जितने भी क्लैंप्स है वो सब मिल जाते हैं? हाँ जी, टोटल आपको ये पूरा बॉक्स आएगा जिसमें सारा क्लैंप फिटिंग्स का सारा स्क्रू वगैरह सब कुछ है। ये 2000 का है, 2000 उसमें डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा सभी चीज़ में। HJG का मिनी ड्राइविंग लाइट काफ़ी बढ़िया चलता है ये वाला। सो गाइस, ये जो पर्टिकुलर जो आप लाइट देख रहे हो ये मैंने अपने बाइक में भी लगाया हुआ है, इसमें आपको डुअल लाइट देखने को मिल जाता है। ये रहा इसका वाइट लाइट, देखो तो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, एंड इसमें आपको येलो लाइट भी देखने को मिल जाएगा, एंड ये रहा इसका येलो लाइट। तो येलो लाइट की जो इंटेंसिटी है वही देख सकते हो कितनी अच्छी है, देख सकते हो। ये 1600 ये KZ30 बोलते हैं इसको, लेंस वाला मॉडल है ये। इसमें येलो कैप भी आता है, इसमें लाइट येलो भी हो जाता है, कैप लगाने से येलो होता है, खोल देने से वाइट रहता है। ये पड़ेगा 2900। तो ये आपका 60 वॉट में HJG का काफ़ी प्रीमियम और बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसमें दो मोड्स आते हैं,
देख सकते गाइस काफ़ी प्रीमियम प्रोडक्ट है ये, नीचे देखते पूरा पाउडर कोटेड है ये एज यू कैन सी, एंड काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है। तो ये भी भैया आपको ऑन करके दिखा दे रहे हैं। तो इसमें ये रहा इसका वाइट लाइट, एंड ये तो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। अभी दिन का टाइम है तो इतना अच्छे से पता नहीं चल रहा होगा इसकी इंटेंसिटी, बट देख सकते काफ़ी अच्छी जो लाइट है वो है। तो ये रहा इसका येलो लाइट, तो येलो लाइट जो भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है एज यू कैन सी। ये 3450 3450 रुपीस का ये लाइट है, एंड अगर आप यहाँ पे आते हो तो कुछ डिस्काउंट मिलेगा। इंडिकेटर्स है ये R15 वी लीफ टाइप का, एक तीन चार कलर आते हैं कार्बन विद गोल्डन का। ये राइडा का टैंक बैग है, ये राइडा का सैडल बैग है, टैंक स्टिकर्स RR310 रेडिएटर ग्रिल है, एंड ये भी काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है। यहाँ पर आपको टॉप बॉक्स भी देखने को मिल जाएगा।